नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्राकर स्वागत करता हूँ का फ्लाई अकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकारांत। जी हाँ, पहले मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अकारांत बताया था। अकारांत मतलब आ की मात्रा, जिसमें मैंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को समझाया था। अब इस वीडियो में मैं आ की मात्रा के बाद अब ई की मात्रा बताऊँगा आपको। ई की मात्रा में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुल्लिंग से। तो पुल्लिंग में हम ई का जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने लिया है हरी का। हरी देखें, जिन शब्द के आखिर में जो मात्रा आती है वो उस हिसाब से ही होता है। तो हरी में ई छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो इकारांत पुल्लिंग में हम हरी का एग्जांपल समझेंगे ट्रिक वाइज, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पिछले वीडियो में समझा था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस हर बार मैं आपको एक फॉर्मूला लेके आता हूँ, एक ट्रिक लेके आता हूँ, अगर आप उस ट्रिक से याद करते हैं तो आपको आसानी रहती है, वरना आप पूरा याद करेंगे तो सबके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए, ट्रिक जो है, फॉर्मूला जो है वो आपका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मूला होता है हमेशा एक वचन और बहुवचन के लिए रखता हूं मैं, द्विवचन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन फिर मैं उसकी आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे याद करेंगे। देखो, ई छोटी ई की मात्रा हम पुल्लिंग में जितने भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हरी के जैसे कवि, मुनि, गिरि, रवि, कपि, ऋषि, सामने आगे अग्नि, जितने भी आपके पुल्लिंग में छोटी की मात्रा में आते हैं आप उनको बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। अब जैसे हरी है, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा हो जाती थी। हरी हरी दो बार, क्या है, हरी हरी दो बार, हरेभ्याम हरेभ्याम तीन बार, हरेभ्याम हरेभ्याम तीन बार, और हरेयो हरेयो दो बार। और लास्ट में जो संबोधन आता है, संबोधन आपका हमेशा क्या होता है, जो आपका जो पहला होता है प्रथम विभक्ति का, वही आपका यहाँ पर संबोधन आ जाएगा। तो हे हरि, अगर मान लो कि यही कवि होता, क्या होता ये कवि, तो क्या होता कवि कवि दो बार, इसमें भी कवि में भी बड़ी की मात्रा हो जाती, कवि कवि दो बार, कविभ्याम कविभ्याम तीन बार, और कवियो कवियो दो बार, तो वहाँ पर थोड़ा कवियो कवियो हो जाता। अब जैसे अगर इसको मैं मुनि का करूं तो क्या होगा, मुनि की छोटी की मात्रा होता चलती, तो मुनि मुनि दो बार, मुनिभ्याम मुनिभ्याम तीन बार, और मुनियो मुनियो आपका दो बार, मतलब यहाँ पर आपका ये मुनि की जगह मुनियो हो जाता है, या आ जाता है, क्या आ जाता है, या, जैसे कवि में कवियो हो जाता है। बस ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम आते हैं एक वचन पर। एक वचन के ट्रिक क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया कि जो पहली जो ट्रिक होती है, प्रथम विभक्ति को आपको याद रखना पड़ता है, हमेशा द्वितीय विभक्ति से ट्रिक चालू होती है। तो हरी जो भी आपका है लिखा है उसको हरी में सालंत लगाना है, हरी और हरे है, हरी हरी हरे है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ट्रिक, अमड़ा ए हरे हरऊ, अमड़ा ए हरे हरऊ, अगर कवि होता तो अमड़ा ए कवे कबऊ, अमड़ा ए कवे कबऊ, मुनि होता तो अमड़ा है मुने मुनऊ। देखो मैं क्या यहाँ पर जो क्या होता है कि थोड़ी इसकी मात्राएं चेंज हो जाती हैं, इसलिए मैं उसको अब एक फॉर्मूले में हम बना सकते हैं। तो हरी को हरे हरऊ कर दिए, मुनि को मुने मुनऊ कर देते, कवि को कवे कबऊ कर देते। तो अम द्वितीय, णा तृतीय, ए चतुर्थी, हरे पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी। जैसे देखें, अम है तो हरेम हो गया, क्या हो गया हरेम। ड़ा, आपको एक बात बता दूं मैं, यहाँ जो है ये ड़ा आ रहा है, किसी ने कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। अगर कभी भी इसका ध्यान रख लीजिए, अगर आपका किसी भी शब्द में, जिन शब्द की बात हो रही है इसमें, अगर प्रारंभ में, शुरू में आपका, चाहे शुरू में आपका रा हो या वा हो, शुरू में अगर रा या वा होता है, रा या वा, तो आपका जो ना जो होता है ना, वो ड़ा बन जाता है ना, क्या बन जाता है आपका ड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसलिए हरी ड़ा हो रहा है। अगर जैसे मान लो रा और वा, जैसे कवि है तो कवि में भी ड़ा, लेकिन मुनि में आपका ना आएगा, मुनि में क्या आएगा ना, क्योंकि अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ, अंत या मध्य में, मतलब शुरू में, आखिरी में या बीच में रा या वा होता है, क्या होता है रा या वा, तो जो ना होता है वो ड़ा बन जाता है, क्या बन जाता है ना ड़ा। बाकी अगर नहीं है तो ना ना ही रहता है, मतलब ड़ा नहीं लिखते, सिर्फ ना लिखते हैं। तो जिन जिन शब्दों में या तो रा आ रहा हो या तो वा आ रहा हो, तो उसमें आपको ड़ा बनाना है, ड़ा बनाना है, ना कि ना बनाना है, बाकी सभी में आप ना लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी ये ड़ा आ रहा है क्योंकि हरी आखिरी में है इसलिए, और अगर कवि में भी कुआ आ रहा है तो इसमें भी ड़ा आएगा, लेकिन मुनि में ना आएगा, गिरी में फिर से गिरी में ड़ा आएगा, रवि में भी ड़ा आएगा क्योंकि शुरुआत में
कपी में आपका ना आएगा, और ऋषि इसमें भी आपका रा रहा, इसमें भी आपका ना आएगा या ड़ा इसमें आप लिख सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं, हरिम तोड़ा तो हरिणा ए तो हर ए, अब देखें हरे हरऊ तो इसमें ऊपर जो बिंदी लिखता हूँ मैं, इस बिंदी का मतलब होता है विसर्ग, तो हरे 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 दो बार आएगा, हरे हरे तो यहाँ पर विसर्ग हरऊ, तो आपका क्या हो जाएगा हरिम हरिणा हरे हरे हरऊ, तो अमड़ा ए हरे हरऊ, अमड़ा ए हरे हरऊ, अमड़ा ए हरे हरऊ। कवि क्या करते तो अमड़ा है कवे कवो, अमड़ा है कवे कवो। मुनि क्या करते तो अमड़ा है मुने मुनव। ये हो गया आपका एक वचन। अब आते हैं बहुवचन में, भुई द्वितीय व्यक्ति से, तो इसका होता है इम भीम भयम इनाम सु। कितना सरल है, इम भीम भयम इनाम सु, इम भीम भयम इनाम शु, इम भीम भयम इनाम सु। तो इम भीम भयम भयम दो बार आएगा, इनाम सु। देखो हरी है तो ई की मात्रा जो होगी बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, हरिन हरिभी हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरीशु। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि ई नाम लिखा है, ना ना लिखा है, बट यहाँ पर रा हो गया, क्यों, क्योंकि रा है, तो प्रारंभ में रा हो अंत में रा हो या मध्य में रा हो तो वो ना रड़ा हो जाता है, हरिणाम और हरीशु। और जो आपका प्रारंभ में लिखा है वही आपका हे हरे। तो समझ गए, सिर्फ इसमें ही सिर्फ एक वचन में ही आपको हे हरे लिखना है, मतलब प्रथम विभक्ति से नहीं है इसका मतलब हे हरे, बाकी का इसका प्रथमा भी इसका भी प्रथमा ही लिखना होता है। तो एम भीम भयम इनाम सु, एम भीम भयम इनाम शु, एम भीम भयम इनाम शु। तो अच्छा खासे याद हो गया, अमड़ा ए हरे हरऊ एम भीम भयम इनाम सु, अमड़ा ए हरे हरऊ एम भीम भयम इनाम शु। सो गाइस होप आपको पसंद आया होगा इकारांत पुल्लिंग। अब हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग। हाँ तो गाइस अब हम बढ़ते हैं इकारांत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हमने एग्जांपल लिया है मति का, मति। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जो हमने अभी हरी का एग्जांपल लिया था, मतलब जो आपका इकारांत पुल्लिंग होता है उससे काफ़ी मिलता जुलता आपका इकारांत स्त्रीलिंग होता है, बस थोड़ा सा ही चेंज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको द्विवचन का बताऊंगा, तो जैसे कि आपका हरी में था सेम टू सेम वही है, यहाँ पर मति मति दो बार, देखो हरी की मात्रा बदल के बड़ी की मात्रा हो गई थी, तो देखो हरी हरी आपका दो बार, फिर इसके बाद मतिभ्यम मतिभ्यम आपका तीन बार, और मतियो मतियो आपका दो बार, और हे मति। तो बिल्कुल ये जैसा आपका पुल्लिंग का था द्विवचन, वैसा का वैसा ही आपका स्त्रीलिंग का है द्विवचन। अब आते हैं हम एक वचन के उस पर। तो एक वचन में भी आपका जो था सेम टू सेम, बस एक चेंज हुआ है, एक चेंज हुआ है, वो आपका हुआ है चेंज चतुर्थी विभक्ति में, इसके अलावा आपका सेम टू सेम है। तो अम या इसको याद करेंगे, अम या अई मते मतऊ, अम या अई मते मतऊ, तो अम या अई मते मते मतऊ। जैसे देखेंगे अम तो मतेम मात्या, तो जैसे ये ई की मात्रा त्या हो गया मात्या, जैसे लास्ट में है और मात्ये। अब आप चाहें तो मत ये भी लिख सकते हैं इसको, और मात्ये भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और मते मते मतऊ, जैसे हरे हरे हरऊ वैसे मते मते मतऊ, जैसे हरे हरे हरऊ। और अगर इस तरह से लिखना चाहेंगे मति, यहाँ पे मत्या मत्या मत्याम, तो ये लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, मेरी राय मान्यता आप ये भी लिख सकते हैं, वरना आपको पता जरूर होना चाहिए कि ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद बहुवचन पर आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हाँ, तो अब बहुवचन पर आते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था बहुवचन में, कि बिल्कुल जो आपका पुल्लिंग का होता है वही आपका स्त्रीलिंग का होगा, एम भीम भयम इनाम शु, एम भीम भयम इनाम शु। देखो ई की मात्रा छोटी की मात्रा बल्कि बड़ी की मात्रा हो गई, मति मति भी मतिभ्य मतिभ्य मति नाम। अब देखो यहाँ पे ना क्यों आया, क्योंकि ना तो इसमें रा है ना तो हुआ है, इसलिए इसमें ना ना ही रहेगा, और मति शु हे मते। तो आपने देखा कि द्विवचन और बहुवचन जो होते बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो पुल्लिंग है वही के वही है, सिर्फ आपका एक वचन में वो भी चेंज हुआ, वो भी कहाँ हुआ है आपका चतुर्थी विभक्ति में, बाकी वो भी सेम टू सेम सेम है। तो इसका मतलब इकारांत जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुत पूरी समानता होती है, सिर्फ एक वचन में चतुर्थी विभक्ति में चेंज होता है, बाकी जो फॉर्मूला जो ट्रिक मैंने आपको पुल्लिंग की बताई वही आपकी स्त्रीलिंग की है। तो गाइज आपको ये समझ में आ गए फॉर्मूले, इसी तरीके से आप शक्ति बुद्धि नीति गति संस्कृति के भी बना सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम इसी स्टाइल में। तो आप चाहते इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो गाइज अब हम आते हैं नपुंसक लिंग पे, इकरण नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वारी की। नपुंसक लिंग में इकरांत में वारी की छोटी की मात्रा की बात करेंगे। तो इसमें थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ये सबसे सरल होता है अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आपके लिए। इसमें देखिएगा एक वचन दुई वचन में सबसे पहले हम देख लेते हैं वारणी वारणी दो बार, ध्यान रखना है आपको वारणी वारणी दो बार, वरेभ्याम वरेभ्याम तीन बार, और वर्ण्यो वर्ण्यो दो बार, और जो आपका प्रथमा में था वही आपका संबोधन में हो गया। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो द्वितीया से ना होकर तृतीया से होगा। तो आपको वह सिंपल है, जो एक वचन दुई वचन इसमें वारी ही रहेगा, और इसका एक वचन दुई वचन वारणी वारणी। ध्यान रखना कि ये वारणी में छोटी की मात्रा है रा पे और बड़ी की मात्रा है री पे, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है रा पे और छोटी की मात्रा है री पर। तो ये बारी री है और ये बारी री है। तो ये आपको बारी वारी वारणी वारणी ये दुई वचन तक आपको ऐसे याद रखना है। अब तीसरा बिल्कुल बहुत सरल है, यहाँ पे वारी 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 लिख दो आप, वारी वारी वारी, और सिर्फ ड़ा ड़े ड़ा ड़ी ड़ा ड़े 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 ड़ी, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पर वारी वारी लिख के सिर्फ ड़ा ड़े ड़ा ड़ी रखना है। अगर यहाँ पे अब आप सुन लीजिए, ध्यान क्या रखना है, अगर ये रा नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर रा और हुआ होता है तो वो ड़ा बन जा, ना की जगह ड़ा होता है, अगर ये नहीं होता तो ना होता, फिर क्या बन जाता है, ये ना ने 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 नी, समझ गए। अब इसी के साथ आपका यहाँ पर भी द्वितीय हासिल करेंगे, दिए देखो वैसे शुरुआत करता है इम मयम से, तो इम नहीं है सिर्फ भयम भीम भयम नाम इना, अभी हटी गए यहाँ से तो नाम शु, तो बारी भी बारिभ्य वारिभ्य वरिणाम, ड़ा क्यों आया क्योंकि ना नहीं आएगा वरीशु, मतलब सिंपल है ये पूरा का पुदो को। बहुवचन तो सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ से ई हटा है, एक वचन में आपको सिर्फ वारी वारी लिख रहे हैं, ओड़ा अड़े ड़ा अड़ी, मतलब यहाँ पे ड़ा जुड़ जाता है या ना जुड़ जाता है, जैसे वहाँ पर या जुड़ता मिता के साथ या जुड़ता है और रा के साथ ना जुड़ता, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपका इकरांत नपुंसक लिंग भी फिनिश हो गया। तो होप यू गाइस आपको इकरांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत नपुंसक लिंग आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि हमें इकारांत उकारांत ये सब जानना, तो मैं गाइस आपको अभी बड़ी की मात्रा में इकारांत और उकारांत, फिर बड़ा ऊ का उकारांत, रिकारांत नकारांत चकारांत तकारांत सकारांत मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना होगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतनी बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.dhakadacademy.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको संस्कृत के, इंग्लिश के और कई सारे वीडियोज़ एंड PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।